नमस्कार, हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं दीनानाथ प्रजापति। तो जैसे कि मैं आपको मिनी बंगलो आज दिखाने वाला हूँ, जो कि हमारा इमरान प्लॉट इसे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपको स्टेशन से, खड़ोली स्टेशन से आपको वॉकिंग डिस्टेंस 15 मिनट जाएगा। मिनी बंगलो जो है, इसमें आपको 1 BHK, 2 BHK और 1 RK मिल जाएगा, जो कि आपको सिंपल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 BHK जो है हमारा बना हुआ है, मगर पूरा इसका मेकअप नहीं हुआ है। इसमें अभी बहुत काम बाकी है, जैसे कि सामने टाइल्स लगाना बाकी है और पलस्तर वगैरह सब पूरा बाकी है। तो इसका पूरा काम होने के लिए अभी हमको कम से कम नहीं तो 10 दिन जाएगा। तो फिलहाल हमारे पास जो है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या डिज़ाइन है इसका, किस तरह बना हुआ है। 1 BHK में आपको पहले बताता हूँ किस तरह इसका डिज़ाइन है, क्या आएगा सामने, क्या नहीं आएगा। तो ये अभी जो हमारा रूम देख रहे हैं, ये बिना मेकअप का है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। मेकअप वाला भी है हमारे पास, है वो काफ़ी दिन से खड़ा हुआ है, मगर यहाँ पर दिखाता हूँ किस तरह यहाँ पर आएगा। और ये सामने आप देख सकते हैं, ये 1 BHK हमारा है, जो 500 स्क्वायर फीट में है ये बना हुआ, 500 स्क्वायर फीट बना हुआ है। ये सामने जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 17x5 को बालकनी दिया जाएगा। इसमें 17x5 का आपको बालकनी आ रहा है। अगर हम हॉल की बात करें तो 10x12 का आपको हॉल मिल जा रहा है इसमें। मिनी बंगलो में देख सकते हैं, मिनी बंगलो में 10x12 का हॉल मिल जाएगा इस तरफ। यहाँ पर एक देख सकते हैं, और मैं आपको बेडरूम भी दिखाता हूँ। ये भी देख लीजिए, ये बेडरूम आपको 8x12 का बेडरूम आ जा रहा है हमारा, देख सकते हैं 8x12 का बेडरूम आ जा रहा है। इसमें भी आपको फोर सीलिंग वगैरह करके मिलेगा, कलर जो रहेगा वो भी आपको मिल जाएगा। और इसके यहाँ बाहर जो ढोलपुरी लादी आएगा वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, एक बना के मापा बना। यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरफ हमारा टॉयलेट आ जा रहा है, देखिए सामने टॉयलेट आ रहा है, जो कि यहाँ पर टॉयलेट बनेगा। और इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर बाथरूम आ जाएगा, जो कि बाथरूम का स्पेस अगर बता दिया जाएगा आपको, 4x कम से कम नहीं, हाँ 4x7 का है बाथरूम हमारा। देखिए ये देख सकते हैं, 4x7 का बाथरूम आ रहा है, ये देख सकते हैं। और किचन भी मैं आपको बता देता हूँ, किचन हमारा कितना हो रहा है, किचन भी काफ़ी बड़ा है, ये देख सकते हैं। इसका बनावट जो है एकदम अलग है, मतलब एकदम अलग है, जो कि आपका टॉयलेट बाथरूम इस तरफ हो जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर हो जा रहा है। हॉल से इंट्री करेंगे डायरेक्ट किचन में आ रहे हैं आप, किचन सामने आ जा रहा है, मगर किचन जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो बहुत बड़ा आ रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना स्पेस है। मगर आपको अगर देखा जाए तो इसमें इस तरफ देखेंगे पूरा दीवार हमारा खड़ा हुआ है, ये देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं पूरा दीवार है। तो यहाँ पर आपका फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पूरा सब पूरा सेटलमेंट हो जाए। इस तरफ अगर आप देखें, सामने आपका किचन प्लेटफॉर्म आ जाएगा, इस तरफ आपका पूरा जो तो भांडी बिंडी रहेगा, जो बर्तन का रहेगा, बर्तन का वो आप कर सकते हैं। और इस तरफ जो भी आपको सामान वगैरह रखना है, जैसे कि आपका गेहूं हुआ, चावल हुआ, या और कुछ भी सामान हुआ, आप यहाँ पर स्टेप बाई स्टेप लगा सकते हैं। इस तरह किचन का किचन बहुत आपको बहुत सुंदर मिल रहा है बना के, मतलब समझ लीजिए बहुत सुंदर मिलेगा आपको। 500 स्क्वायर फीट में आपको बहुत अच्छा मिल जा रहा है। तो हम आपको दिखा रहे हैं अभी 1 RK के जो हमारे खड़ा हुआ है, इसमें एक लाइन में देखा जाए, इसमें इस लाइन में अगर देखा जाए, बता दूं आपको, इस लाइन में हमारा सब 1 BHK आएगा। लाइन से देख रहे हैं जितना बन रहा है सब 1 BHK का, आगे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सब 1 BHK आएगा आगे तक मैं दिखाता हूँ। और ये सामने वाला जो लाइन जा रहा है, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ 1 RK आएगा, देख रहे हैं लाइन, मतलब। अब इसके बीच में आपको बता दूँ, यहाँ पर देखिए, एक मिनी बोन का बनाने के बाद 2 फीट का हमने जगह रखा है, देख सकते हैं आपके सामने दिख रहा है। अभी दूसरा हमारा मैं दिखाता हूँ आपको, दूसरा ये भी बना हुआ है, 1 BHK भी है। अभी देखिए ये दूसरा हमारा बंगलो आ गया है, जो मिनी बंगलो है, दूसरे के बीच में आपको देख सकते हैं 2 फीट का जगह है। फिर हम तीसरे के बीच में आपको दिखाता हूँ, जितना मतलब बंगला हमारा बनो होगा सब में 2-2 फीट का जगह आता रहेगा। देखिए ये भी देख सकते हैं आप, इसमें 2 फीट का जगह हुआ है। और यहाँ अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक तो बहुत है, कम से कम 4000 पब्लिक यहाँ रहती है। आप देख सकते हैं नीचे, ये देखिए कितनी पब्लिक है रहने के लिए। और सामने कैमरे से मैं दिखाता हूँ अभी आपको, इस तरह देख सकते हैं यहाँ पर पब्लिक बहुत रहने के लिए है। इस चारों साइड मतलब पूरा 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 पैक है, एक देख सकते हैं पूरा पैक है आपको। इधर भी आपको पूरा पैक दिखेगा, इस तरफ देखेंगे पूरा पतरा वगैरह दिख रहा है ना नीचे, ये मिट्टी के लेवल में पतरा आ रहा है उस चाली का, वहाँ पर भी बहुत पब्लिक है। सामने मैं आपको दिखा दूँ, इस तरफ हमारा पूरा जितना है, इस तरफ पूरी चाली हमारी बन रही है, जो अदिति डाउन है, ऑफ है, वो सब इधर आ रहा है। ये अगर पूरा प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये हमारा 20 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, पूरा 20 एकड़ में पूरा प्रोजेक्ट हमारा आ रहा है। इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम दिखाते हैं जो हमारे देखा जाए 1 RK
काफ़ी दिन होगा उसको मेकअप करके, तो दिखाता हूँ किस तरह वो दिखता है। अभी इस पर हम लोग ध्यान नहीं दिए काफ़ी दिन से, इसको हम खड़ा कर दिए, बना के खड़ा कर दिए हुए हैं, इसका एकदम मेकअप ख़राब हो गया है। तो फिर से जो नया बनेगा वो मैं आपको वीडियो आप तक पहुँचा दूँगा किस तरह बनेगा। इसमें देख सकते हैं आप सामने, ये देखिए टाइल्स लगा हुआ ढोर पुलिया दिया आएगा आपको, बंगलों को मिनी बंगलों को वाइट ही आएगा पूरा। और इसमें देखिए 5x10 का आपको बालकनी मिल जा रहा है, देखते हैं इस तरह बालकनी 5x10 का आएगा। अभी मैं अंदर की बात करूँ तो डोर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कलर इस तरह आपको मिल जाएगा, ऊपर सीलिंग आपको आ जाएगा, देख रहे हैं सीलिंग इस पर लगा हुआ है। जितना बनेगा सब आपको सीलिंग वलिंग के साथ में मिलेगा। तो यहाँ सामने दिखा देता हूँ, 1 RK कमरा है, 300 स्क्वायर फीट का सर। इसमें अगर 2 BHK लेते हैं 600 स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे सामने किचन आ जा रहा है, ये देख सकते हैं किचन है। और सामने इस तरफ देखेंगे टॉयलेट बाथरूम अलग अलग दिया गया है, इसमें आपको अलग अलग मिलेगा टॉयलेट बाथरूम। इस तरह हमारा इसका बनावट है, 300 स्क्वायर फीट का है 1 RK, आपको 500 स्क्वायर फीट का 2 BHK जाएगा। और उसके बाद जो 1 BHK 500 स्क्वायर फीट जाएगा, 2 BHK का आपको 600 स्क्वायर फीट जा रहा है। इस तरह हमारा रूम आएगा यहाँ पर। इसका डाउन पेमेंट मैं अगर बता दूँ आपको, रेट में बताता हूँ 1 RK क्या रेट है आपको। 1 RK के आपको पड़ेगा यहाँ पर 5 लाख रुपये का। और उसके बाद 1 BHK जो पड़ेगा ये आपको पड़ेगा 6.5 लाख रुपये का। 2 BHK जो आएगा 7.5 लाख रुपये का आपको पड़ेगा, जिसमें अगर डाउन पेमेंट 1 RK का आपको देना है 1 लाख रुपये, और जो 1 BHK है उसका देना है 1.5 लाख रुपये, और उसके बाद 2 BHK जो है वो आपको देना है 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट। ठीक है, इस तरह हमारा आ रहा है। बाकी आपका जिस दिन 50% होता है उस दिन आपको चाबी दे जाएगा, चाबी देने के बाद जो रकम रह जाएगा वो आपको इंस्टॉलमेंट में ही करना है। जैसे कि 1 BHK आएगा आपको 7,500 का इंस्टॉलमेंट देना है, अगर 2 BHK हम आपको दे रहे हैं बना के तो आपको देना है 10,000 का इंस्टॉलमेंट, अगर 1 RK है तो आपको देना है 5,000 इंस्टॉलमेंट। इस तरह आएगा आपको। यहाँ पर देख सकते हैं फाउंडेशन पूरा कंप्लीट है, कितना फाउंडेशन हुआ है। और सामने मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ हमारा 12 फीट का है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये 12 फीट का हमारा रास्ता आएगा, एक यहाँ पर गेट लगेगा 12 फीट का रास्ता आएगा। और इस तरफ 12 फीट के रास्ते पर झाड़ वगैरह आपको लगा के मिल जाएगा। और इस तरफ हमारा चाली खुद का आ रहा है, मतलब ये भी चाली हमारी है, जो कि आपको मैं बताया टोटल हमारा 20 एकड़ है। तो ये टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऊपर से लेकर नीचे तक जितना बना हुआ है वो सब मैं बता रहा हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ भी लादी काम चालू है, जो कि चाली का काम है। अगर पीछे बैक साइड दिखाऊँ तो इधर हमारा 1,000 रूम टोटल आ रहा है, यहाँ पर देख सकते 1,000 रूम है। बाकी ये पूरा मैदान देख रहे हैं, पूरा मैदान खाली है। इस तरह हमारा प्रोजेक्ट है। हमारी वीडियो को देखिए और ऐसा लास्ट तक देखते रहिए। आप जैसे समझ लीजिए कि अभी मैं आपको एक से बढ़कर एक हमारे इधर रूम है, जो इंसान 10,000 कमाता है वो भी हमारा इधर रूम ले सकता है। और सामने वाले मैं आपको दिखा दूं, हमारे पास 2.5 लाख का रूम है, 2.5 लाख का है। उसके बाद इसमें आपको 3.5 लाख का मिल जाएगा, 4.5 लाख का 2 BHK मिल जाएगा, उसका स्क्वायर फीट 300 रहेगा, 400 रहेगा। और उसके बाद 1 RK का रहेगा 200 स्क्वायर फीट में आपको मिल जाएगा। इस तरह हमारे पास है। तो हमारे वीडियो बने रहे, मैं अगला वीडियो 2-4 दिन के बाद ही डालूंगा अभी, तब तक के लिए हमारा वीडियो देखते रहिए। और मैं आपको एक से बढ़कर एक अब दिखाऊंगा अभी, हमारे पास फार्म हाउस का नया साइड आने वाला है, हो सकेगा तो उससे भी अच्छा एक साइड आने वाला है, वो भी मैं आपको वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, ताकि ऐसा ना हो कि आप मिस कर जाएँ वीडियो। और आपका बजट अभी नहीं है, जब भी आपका बजट हो जाएगा उस वक्त तक अगर वीडियो बने रहेंगे तो शायद आपका कल, आज नहीं तो कल फ़ायदा हो जाएगा। तो धन्यवाद।